पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान सरदार साहब कह रहे हैं वहां क्योंकि ऐसी कुर्सी से बैठे ने मनु इज्जत ना नाम लेना चाहिए। उन्होंने एक स्टेटमेंट आती है कि वो एक एक्ट पास कर जा रहे हैं विधानसभा एसजीपीसी दे विच ओ गुरबाणी के उत्ते कि उसका प्रसारण कोई भी केड़ा भी चैनल कर सकता है या कोई भी किसी भी मीडिया के थ्रू उसनू कर सकता है। मैं समझता वहां असी ये हमायती हाँ कि गुरबाणी कोई भी करे एसजीपीसी सारियां नू उसका राइट दे, लेकिन पंजाब सरकार कोई नहीं होंगी कि गुरद्वारा एक्ट विच तमीम करन दा। सरदार भगवंत मान जी तुहानू पता है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक्ट सेंटर के थले आंदा है, ना सेंटर की सरकार ना तुसी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते क्योंकि पंडित नेहरू ते मास्टर तारा सिंह का एक पैक्ट है कि एसजीपीसी की कोई तरमीम होगी एसजीपीसी का जनरल हाउस उसनू रिकमेंड करेगा। तुसी सिखां दी तुसी कौम की मर्जी तो बगैर कोई तरमीम नहीं कर सकते। तुसी की वाटर टेस्ट करन लगे हो, तुसी चूंडी वड़ के देख रहे हो कि मैं इन्नी शरारत कर लवां और उसके बाद मैं होर वड्डा काम खोल देवां ताकि मैं गुरु घरां दे विच वड़ के कब्जे कर लवां। तुसी आप तो पिटदे पए हो आम आदमी पार्टी वाले कि सेंटर ने तुहाडे कोल अख्तियार खोलिया, तुसी सारी स्टेटां च और शायद अमित शाह जी ने भी आख्या कि तू पायलट बन के तुसी जा रहे हो अरविंद केजरीवाल दे और सपोर्ट इकट्ठी कर रहे हो कि राज्यसभा जो बिल नहीं पास होना चाहिए जेडे आई एस दी ताकत सेंटर ने वापस तुहाडे कोल लै ली है ऑर्डिनेंस करके। मैं समझदा वा ये उतनी ही अमाउंट करती है। एक गल समझ लेना, तुसी बीजेपी नाल लड़ सकते हो, अकाली दल नाल लड़ सकते हो, कांग्रेस नाल लड़ सकते हो, धर्म की सियासत ना 440 वोट तक करंट है। मेहरबानी करके इस पासे मूंह ना करो, ये नतीजे माड़े होंगे, किसी किस्म की इंटरफेरेंस असी बर्दाश्त नहीं करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।